विमेन एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मर्दों के एजुकेशन। बाकी मैं इसको नहीं समझता सही कि ठीक वही औरत भी स्किल अपने अंदर पैदा करे जो मर्द मिलनी चाहिए। ये जो है अनरियलिस्टिक बात है। मैं जेंडर इक्वलिटी को बहुत एक मिथ समझता हूँ। जेंडर इक्वलिटी कोई चीज़ नहीं है, जेंडर इनइक्वलिटी असल है नेचर में। क्यों? खुदा ने डिफरेंस इसलिए पैदा किया हर जगह हर जगह हर जगह, ताकि कई चीज़ें मिल करके कोई बड़ा काम कर सके। अगर सब एकदम एक ही ढंग के हों तो कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। वो क्या किसी की सेइंग है कि व्हेन ऑल थिंक अलाइक नो वन थिंक्स वेरी मच, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जेंडर इक्वलिटी तो एक बिल्कुल स्टूपिड बात है मेरे नज़दीक। अगर सब लोग इक्वल हो जाएं तो कुछ काम भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंसेस हैं, किसी में कोई क्वालिटी है किसी में कोई क्वालिटी है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो, ये बड़ी बात ज्यादा है। तो नेचर की जो स्कीम है वो बेस करती है डिफरेंस पर, वो यूनिफॉर्मिटी पर बेस नहीं करती है। ये तो एक अपनी बनाई हुई एक फिलासफी है, इस पर कोई साइंटिफिक बेस भी नहीं। जितने भी साइंस में स्टडीज हुई हैं वो सब बताती हैं कि औरत मर्द में डिफरेंसेस हैं। मैंने इससे पहले शायद आपको बताया होगा कि अमेरिका की जो मैगजीन है बहुत बड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन उसका है, उसने 20 लेडीज को एक टीम बनाई 20 लेडीज की, और काम क्या था कि डिफरेंट जो ब्रांचेस है जिंदगी की उसमें पता करो कि औरत और मर्द का क्या मामला है, यही स्टडी करने के लिए। यानी फिल्म इंडस्ट्री में देखो, एविएशन में भी देखो, कंपनियों में भी देखो, हर जगह देखो कि डिफरेंट ब्रांचेस जो है लर्निंग है उससे क्या चीज़ निकलती है। तो सब ने वो छपा था, पूरा एक इशू था इसी पर टाइम में, बताया कि हर ब्रांच से ये चीज़ आ रही है कि औरत मर्द में डिफरेंस है, बायोलॉजी से साइकोलॉजी से और जितने भी ब्रांचेस हैं इसकी, क्या औरत मर्द में डिफरेंसेस है। तो उसमें एक नकल क्या था, एक जो सो कॉल्ड वीमेन लिप की जो होते हैं औरतें, एक औरत ने बड़े जोर से कहा था कि हम अब औरतों के जेनेटिक कोड को बदलेंगे ताकि सारे औरत जो है मर्द की तरह पैदा हो। जाहिर कि अपसेट बात है, ये अपसेट बात है। तो डिफरेंस जो है वो तो बहुत बड़ी, मतलब तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है नेचर की कि डिफरेंस पैदा किया खुदा ने। उस डिफरेंस से बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे को एक की कमी दूसरा पूरा करता है। इस वजह से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन मतलब यह नहीं कि जो वो पढ़े वही वो भी पढ़े, इसको मैं नहीं मानता। दोनों की प्लानिंग अलग अलग होनी चाहिए, मर्द को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, औरत को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए।